इंदौर में लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। ऐसा ही एक सड़क हादसा सामने आया है इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में, जब एक तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गई। जिस जगह पर यह हादसा हुआ वहां कई लोगों के घर थे। गनीमत तो ये रही कि गाड़ी पेड़ से टकराई, यदि वह किसी घर से टकराती तो जनहानि भी हो सकती थी। वहीं बताया जा रहा है कि गाड़ी की स्पीड काफी तेज थी, जिसके कारण ड्राइवर गाड़ी को संभाल नहीं पाया और हादसा हो गया। वहीं जिस जगह पर हादसा हुआ तो उस जगह पर कई लोग घरों के बाहर सो रहे थे, लेकिन अचानक से हुए हादसे से वह सहम गए। वहीं हादसे के तुरंत बाद कार ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। वहीं चंदन नगर पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। टक्कर लगने के बाद गए कहां लोग जो गाड़ी में बैठे हुए थे? वो निकल के चल दिए। तो गाड़ी में कितने लोग थे? इसमें दो तीन लोग थे। बहुत धीमी गाड़ी थी कि तेज, बहुत स्पीड में थी गाड़ी? तेज थी। तीन पीछे बैठे थे और आगे ड्राइवर था, चार जने थे साथ। तो पहले गाड़ी को टक्कर मारी उधर? ठेला खड़ा था हमारा, वो आगे फेंक दिया। ठेला यहीं खड़ा था, ठेला भी वहाँ चले गए, यहाँ खड़ा होता।